जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडो लाडली, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो के में। दोस्तों आप सभी को पता है एसएसजीडी की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भी अब शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को फॉर्म भरने की जल्दी भी होगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप फॉर्म भरने की जल्दी कर रहे हैं उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आप पोस्ट किस हिसाब से भरे। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको ये भी पता नहीं होगा कि पोस्ट कैसे मिलती है। देखो पोस्ट कैसे मिलती है, जब आप फॉर्म भरोगे उस समय जिस पोस्ट को आप पहली प्रायोरिटी दोगे तो वो अगर आपके अच्छे नंबर हो गए तो पहले मिलेगी, और जिस पोस्ट को आप लास्ट में दोगे, मान के चलिए कि हर एक पोस्ट पर एसएससी में जीडी में क्या होता है, जैसे एसएसएफ है, एनआईए, एनसीबी की तो इस बार पोस्ट आई नहीं है अभी, बाकी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंटों की जो मेरिट आती है सबकी अलग अलग होती है। आपने भी देखा हो, ऐसा नहीं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए तो आप सीआईएसएफ में चले जाओगे, नहीं, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आपने फर्स्ट चॉइस सीआईएसएफ दिए तब आप सीआईएसएफ में जाओगे, ये नहीं अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप फर्स्ट जो चॉइस दोगे उसमें जाओगे। तो आपको पोस्ट कैसे भरनी है, मेरे हिसाब से कौन सी आपके लिए बेस्ट पोस्ट है अगर आप तैयारी करते हैं तो, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट के बारे में मैंने वीडियो बना रखे हैं पिछली बार पूरी डिटेल में कि कौन सी डिपार्टमेंट की कैसी ड्यूटी होती है, तो आप प्लीज वो वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक दे रहा हूं, आप जाके देखिए कि बीएसएफ की ड्यूटी कैसी होती है, उसकी जॉब प्रोफाइल बता रखी है, हर एक डिपार्टमेंट की बता रखी है, तो वो आपको सबसे पहले देखनी है और फिर पोस्ट भरनी है। समझ गए बात को, कई बार पता ही नहीं होता कि हम किस में जाएंगे। मेरिट कैसे निकलती है, यानी आपके अच्छे नंबर है तो आपकी फर्स्ट चॉइस आपको मिलेगी, अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है तो आपको सेकंड चॉइस मिल सकती है, थर्ड चॉइस आपकी मिल सकती है, ऐसे इसकी मेरिट बनती है। अब कई बच्चों के ये भी डाउट होता है कि मान के चलिए एसएससी में, इसमें मान के चलिए कि सीआईएसएफ की मेरिट रही 80% और आपके नंबर है 79%, तो क्या आपको दूसरी जॉब नहीं मिलेगी? नहीं, मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी सीआईएसएफ। तो अगर सीआईएसएफ नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबसे बाहर हो गए, नहीं, बाकी सब मिल सकती है, यानी जो सबसे लास्ट कट ऑफ रहती है ना, अगर उससे आपके नंबर ऊपर है तो कोई ना कोई आपको जॉब मिल जाएगी। आप फर्स्ट चॉइस दो, उससे ये नहीं कि अगर आपको वो नहीं मिली तो कोई भी नहीं मिलेगी, नहीं, वो नहीं मिली तो दूसरी कोई ना कोई मिल जाएगी अगर आपके नंबर मेरिट में है तो। समझ गए बात को, अब देखिए कौन सी आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, उसके साथ ही लाडलो एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन के द्वारा ये बुक्स अभी इसी साल के लिए लॉन्च की गई है, इसमें 2019 से लेकर 2023 तक सोल्ड पेपर है, सारे के सारे आए हुए पेपर है, ये बुक आप ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से, अभी इस पे 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ये बुक्स ले सकते हैं, ठीक है लाडलो। अब देखिए इस बार जिन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है उनमें से आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी देनी चाहिए, देखो सबसे पहले बीएसएफ की पोस्ट आइए 6175। ज्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, पोस्ट और वैकेंसी देके फॉर्म भर देते हैं, ये गलती नहीं करनी। सेकंड नंबर है सीआईएसएफ, इस पे वैकेंसी आई है लाड लो 11025, सबसे बेस्ट। सीआरपीएफ में इस बार 3337 पोस्ट, जब सीआरपीएफ की ये पोस्टें आई है ना कम इतनी, तभी लग रहा है कि इस बार पोस्ट और इंक्रीज की जाएगी, समझ गए बात को, क्योंकि सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा पोस्ट आनी थी उसमें सबसे कम आई है, यही एक रीजन है कि पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। एसएसबी में 635, उसके बाद में आईटीबीपी में 3189, असम राइफल में 1490 और एसएसएफ में 296। अब आपको इनमें सबसे फर्स्ट चॉइस कौन सी देनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस आपको देनी चाहिए सीआईएसएफ, पोस्ट ऑफ वैकेंसी भी अच्छी है और जॉब भी अच्छी है, ठीक है। सबसे पहले आपको सीआईएसएफ देनी चाहिए, जो भी नए बच्चे हैं ध्यान रखिए, अगर आपके अच्छे नंबर आए तो ये जॉब आपको मिल जाएगी, सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, तो आपको फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए एसएसएफ, जिन बच्चों की बहुत तगड़ी तैयारी है, जो बोलते हैं हम तो टॉप करेंगे, उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए एसएसएफ, या जो नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं उनकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की जॉब अच्छी होती है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, एसएसएफ की जॉब अच्छी होती है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। सेकंड चॉइस आपकी कौन सी होनी चाहिए, अगर आप लड़की है तो आपकी सेकंड चॉइस होनी चाहिए एसएसबी, ध्यान रखना, अगर आप लड़की है तो आपकी सेकंड चॉइस कौन सी होनी चाहिए एसएसबी। लड़कों की भी ये चॉइस हो सकती है क्योंकि एसएसबी ड्यूटी करती है भारत नेपाल बॉर्डर पर, बहुत शांतिपूर्ण इलाका है जहां पर ड्यूटी आसानी से हो जाती है, और लड़कियों के लिए भी ये बेस्ट जॉब मानी जाती है सीआईएसएफ के बाद में या सीआईएसएफ की तुलना में। इसके बाद में आपको तीसरी अगर कोई जॉब देनी है तो वो आपको देनी चाहिए सीआरपीएफ, थर्ड नंबर पर आपकी चॉइस होनी चाहिए सीआरपीएफ, उसके बाद में आपकी चॉइस होनी चाहिए बीएसएफ, उसके बाद में आईटीबीपी और असम राइफल में से आप कोई सी भी दे सकते हो, यानी फर्स्ट चॉइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर जो मैंने बताया वैसे अगर आप चॉइस दोगे तो आपको उसका नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, आपको अच्छा लगेगा आगे जॉब करके भी जीवन भर, ठीक है। अब असम राइफल किसको देनी चाहिए, देखिए लड़कियों के लिए काफी हार्ड ड्यूटी होती है असम राइफल में, जो भी लड़कियां गई है हमारी अकेडमी से या जो भी बच्चियों के सिलेक्शन में उनसे बात की है, जो मैंने थोड़ा सा मुश्किल होती है असम राइफल में, क्योंकि ज्यादातर ये
नॉर्थ ईस्ट के साइड में ही ड्यूटी कर रही होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। बीएसएफ में भी यही समस्या आती है लड़कियों को ज्यादा, और आईटीबीपी में भी यही होती है। सीआरपीएफ में क्या आपको पूरे देश में ड्यूटी करने का मौका मिल जाता है, सीआईएसएफ में भी यही है, एसएसबी में भी यही है, ठीक है। और दूसरी बात, एसएसबी की जहां ड्यूटी है वो इलाका अच्छा है, उसके अलावा टॉप रैंकर तो एसएसएफ कर ही सकते हैं, समझ गए बात को। तो इस हिसाब से आप अपनी चॉइस भरे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। असम राइफल वो बच्चा भी भर सकता है जिसको आर्मी की वर्दी पहनने का शौक, लड़कों में से ठीक है, अगर कोई लड़का आर्मी की नौकरी चाहता है उसकी नहीं लगी है, वो असम राइफल के माध्यम से अगर अपना सपना पूरा करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है, समझ गए। जय हिंद।